इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बोला था ये क्वेश्चन ऐसे भूल जाएंगे, याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन इतना ही बोला गया है कि भाई एंगल सेम है, 20 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री, और बात 10 की आई है, 20 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री। बस मैं इतना सा बोलूँगा, हाँ ये मेरे को इतना बोलने पे मजबूर कर रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 3 × 20। अब मेरे को ये फील दे रहा है, ये मेरे को फील दे रहा है कि 10 3 एक ही जगह आपका 20 है। ये मेरे को इतना बता रहा है कि 10 3 टाइप फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए बाबा क्या हो जाएगा। हाँ विकास, फॉर्मूला लगा देंगे सर, 3 10 एक की जगह 20 डिग्री, माइनस 10 क्यूब 20 डिग्री, अपॉन 1 − 3 10 स्क्वायर 20 डिग्री, इतना। और ये 10 20 डिग्री क्या है, ये ध्यान से देखोगे तो ये 10 60 है, ये 10 60 है, और वो कितना होता है, 10 60 √3। 10 60 कितना होता है भाई, √3। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या बनता है, ये बनेगा √3, 1 − 3 10 स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल टू 3 10 20 डिग्री माइनस 10 क्यूब 20 डिग्री। हाँ जी, इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा। हाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस बात को, है ना, हमें आंसर में चाहिए, हमें आंसर में चाहिए कि 10 की पावर 6 है, हमें आंसर में क्या चाहिए, 10 की पावर यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है। तो 6 किस तरीके से हमें मिलेगी, 6 हमें किस तरीके से मिलेगी, तो आप बोलोगे सर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिएगा सर, जल्दी से बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा, जल्दी से बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ आपको नज़र आएगा 3, हाँ जी, 1 + 9, 10 की पावर 4, 20 डिग्री − 6, 10 स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल टू 9 10 स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 10 की पावर 6 20 डिग्री माइनस का 6 10 की पावर 4 20 डिग्री। हाँ जी, इसको सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ तक कोई समस्या आपके नहीं हो सकती है भाई, यहाँ तक आपके कोई समस्या नहीं हो सकती है। जब आप सोल्व करोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया है आपके लिए, यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया है आपके लिए, अब इसका सोल्व करने का काम आपका बचा है ना। मैं यहाँ यही लिख सकता हूँ, हाँ जी, सोल्व करके जल्दी आंसर बताइएगा भाई, कमेंट कीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है बेटा, यहाँ आपने सेकंड स्टेप में ये देखना है बस कि भाई हमने जो आंसर निकाला है वो 10 की पावर 3 में आया है, 10 की पावर 3 में आया है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 10 की पावर 6 है, हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है, 10 की पावर 6। तो भाई हम किस तरीके से 10 की पावर 6 तक जा सकते हैं, जिस तरीके से हम 10 की पावर 6 तक जा सकते हैं। हाँ जी, आवाज़ आ रही बेटा, मेरे पास तो ठीक आ रहा है नेटवर्क। हाँ जी, हाँ जी, एक बार आप चेक कीजिएगा भाई।
ठीक आ रहा है, एक बार आप रिफ़्रेश कर लीजिएगा अपने नेटवर्क को, अपने क्लासरूम को एक बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा, जो बच्चे यूट्यूब पर है एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लीजिएगा। हाँ जी, हमारी बात चल रही थी कि 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 तक कैसे जाए, तो हम थोड़ा सा के IQ लगाएंगे और हम देखेंगे कि स्क्वायर से ये बात बन रही है तो हम स्क्वायर तक जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको ले जा रहे हैं हम आपके क्वेश्चन के आंसर की तरफ।